जब मैं पुलिस की नौकरी में था वो सरकारी नौकरी थी उसके अपने नियम हैं कायदे हैं कानून हैं प्रक्रिया है राजनीति के उसके भिन्न है अब जो पुलिस में 20 साल का बच्चा भर्ती होना चाह रहा है वो 10 किलोमीटर नहीं चल सकता मेरे तो बड़े तो पुलिस लायक है ही नहीं आवश्यकता पड़े दौड़ने राजनीति में जरूरत नहीं पड़ती नहीं दौड़ता बीजेपी फिर कांग्रेस एक बार तो बीजेपी में गया था एक बार कांग्रेस में बदला कहा जो गया चार साल रहा फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं नहीं रहूंगा और कांग्रेस के नेता चौबीस घंटे की राजनीति के लिए जाने जाते हैं आवश्यकता पड़े पर आप उपलब्ध नहीं को? हरीश मीणा जी हैं वो गहलोत सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे ये सचिन पायलट हैं उनका पा, कट्टर उनके समर्थक हैं मैं जनप्रतिनिधि हूँ जनता के साथ ये राजस्थान में सुधार की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी तो जो भी नए विचार आएंगे क्या राजस्थान के अंदर कांग्रेस को अब क्या वो रीजनल लीडरशिप के ऊपर जाना चाहिए बजाय एक राजस्थान का एक नेता अलग अलग क्षेत्रों से जो नेता है उनकी कलेक्टिव लीडरशिप के ऊपर आना चाहिए राजस्थान जैसे प्रदेश में रीजनल लीडरशिप हो नहीं सकती तो इसमें डाइवर्सिटीज़ बहुत है कांग्रेस की सरकार और बीजेपी के की हो बीजेपी की वो अपने विषय पर जनता की आवश्यकता पूरी करनी चाहिए दोनों पार्टियों को नुकसानदाय तो नहीं कहूँगा पर अनप्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया कोई किसान कितना भी बड़ा हो अपने बेटे को किसान नहीं बना सकता उनको ऑल्टरनेटिव आप तो इंडस्ट्री खोलो रोजगार दीजिए और कोई अपॉर्चुनिटीज दिए वो ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता मैं जनता की बात करता हूँ पेपर लीक को एक बड़ा इशू उस वक्त में बनाया था और वो कारगर भी रहा क्योंकि आप सत्ता में अब नहीं है नहीं मैं मानता हूँ अगर किसी ने कोई गलती करी है मैं किसी गलती को डिफेंड नहीं करता हूँ पर मैं उसको सिर्फ कार्यकाल से नहीं देते कांग्रेस के टाइम हुआ भी हर जागरूक जनप्रतिनिधि का ड्यूटी है कि व्यवस्था में कोई अगर खामियां हैं कोई कमियां हैं उनको जा नहीं सर पर अब ये तो पार्टी ने तो ऐलान कर दिया हाँ। हाँ। आप ये कह रहे हैं कि मैं जनता से पूछूंगा तो चुनाव कैसे, तो हाँ, कैसे, तो हाँ। कैसे पंजाब केसरी के जरिए टोंक माधोपुर की ईमानदार सच्ची और प्रगतिशील जनता को ये कहना चाहूंगा कृपया सबकी सुने करे वो आपकी मन को कृपया जाति बरादरी और धर्म पे आप बढ़ उनकी वोट में हर जाति का व्यक्ति वोट देगा हर धर्म का व्यक्ति वोट देगा और वोट उसके पास एक है तो वोट उसको दो जो आपके स्वयं के हित में हो आपके देश के हित में नमस्कार लोकसभा चुनाव का दौर शुरू हो गया है उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है और पंजाब केसरी उन तमाम नेताओं से उन तमाम उम्मीदवारों से बात कर रहा है एक स्पेशल सीरीज़ के जरिए जिसमें उन उम्मीदवारों की क्या उनका दावा है जीत को लेकर क्या उनके गणित हैं समीकरण हैं इन तमाम मुद्दों पर बात होगी और साथ ही साथ उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के उन पहलुओं को भी हम सामने लाएंगे जो अक्सर पब्लिक लाइफ में या तो बहुत पीछे छूट जाता है या फिर चर्चा में ज़्यादा नहीं रहता आज इसी सीरीज़ में हमारे साथ में मौजूद हैं टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र से कांग्रेस से जो उम्मीदवार हैं लोकसभा सीट के लिए हरीश चंद्र मीणा जी बहुत बहुत स्वागत है हरीश जी आपका धन्यवाद सर आपका अगर दौर में देखता हूं तो पहले तो सियासत की बात होती है आमतौर पर, पर इंटरव्यूज़ में लेकिन मैं शुरू करना चाहता हूं 2009 से लेकर 2013 तक आप तो मेरे ख्याल से ऐसे अकेले वाहिद डीजीपी रहे हैं इतना लंबा कार्यकाल रहा है राजस्थान का और बाकी राज्यों पे भी कंपैरिजन कर करते हैं तो वहाँ से और राजनीति के अंदर दो में आप भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन कर ली तो बड़ी चर्चा उस वक्त आ, ये थी कि गहलोत सरकार के वक्त के डीजीपी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए क्या आपका उस पर टेक है अभी जब मैं पुलिस की नौकरी में था वो सरकारी नौकरी थी उसके अपने नियम हैं कायदे हैं कानून हैं प्रक्रिया है राजनीति के उसके भिन्न है। तो मैं डीजी था जिस जो भी नौकरी में था मैं एक ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट था तो मेरे पास 2014 में निर्णय लेना था मैं રાયને તેમ હું તો કિસ દદ મે જા હું 2014 એક નયા દોર થા ભારત કે રાજનીતિ તો મેને દેખા કે ભાઈ દેખીએ القسمه કે સમય મળા अफसर मिला જનતા કા આશીર્વાદ મિલા મુજે લોકસભા પહોંચને કા મોકા મિલા હમ તો યે તો ઉસકા એક કહાની હમ પોલીસ સે ભારતીય જનતા પાર્ટી કે સાંસદ થા ઓર અબ આપ કે સામે હું લેકિન एक पब्लिक डोमेन में चर्चा है आप और इसका उसको ऑथेंटिकेशन उसका, उसका, उसका करेंगे आपके जो जवाब से आमतौर पर माना जाता है सी है या डी है वो एक तरह से सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल पोस्टिंग भी होती है मतलब योग्यता तो और पैमाना तो होता ही है लेकिन राजनीतिज्ञों की पसंद का भी मामला होता है सर जिस दिन मैं डीजी बना मैं राजस्थान का सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर था मैंने ना तो एक आदमी को सुपरसीड किया और मेरे बैच का मैं अकेला ही था तो दावेदारी तो जब होगी पोस्ट एक और मांगने वाले पांच हो तो चॉइस आई थिंक सर तकदीर का खेल है मैं कोई किसी का वो नहीं है हुँ, हुँ. और डीजी बनने के लिए भारत सरकार एम पैनल करती है ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस रिकॉर्ड के तो so मैं एकमात्र अधिकारी था जो एम पैनल था उन्हीं में से बनाना था एक ही आदमी था एक ही पोस्ट थी एक कोई बनाना था शायद यही कारण था जब आपके इंटरव्यू के लिए जब मैं देख रहा था तो मेरे दिमाग में एक विजुअल था जिसमें राजस्थान के डीजीपी जी फतेह सागर उदयपुर में दस किलोमीटर है वो दौड़ रहे हैं और उस वक्त बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई कि कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा इतनी सख्त कर दी है कि लोग मर रहे हैं और सरकार है या प्रशासन या पुलिस है उस पर ध्यान नहीं दे रहा तब हरीश मीनायो अचानक सीन से आते हैं आउट ऑफ सीन और अचानक वो दौड़ लगाते हैं सुबह सुबह फतेह सागर की पाल पर फिर कोटा से फिर खबरें आई 48 मिनट में आपने 10 किलोमीटर की दौड़ है वो पूरी की वो कहाँ से मतलब उस वक्त जो आलोचना थी उससे एक तरह से आपने मुकाबला करने का वो थॉट कैसे आया आपके मन में उमून ये होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सफाई देते हैं सर पुलिस की नौकरी या तो आप उनके काम से देखते हो या उनकी छवि से देखते हो पुलिस कैसी है काम तो आपका काम पड़ता है जब देखते हो पर छवि आप हर बार देखते हो जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस ने रोका नहीं आपको तो आपको काम ही नहीं पड़ा तो वो देखा तो सही वो क्या कर रहा है कैसे कर रहा है टेलीफोन पर बात कर रहा है मुझसे तो पुलिस की अक्सर शिकायत होती थी प्रेस में भी और मुझे भी लगता था कि ये मोटे मोटे पुलिस वाले हैं ये क्या काम करेंगे छाप देते थे कि साहब ये मैं ये गाँव के लड़के हैं सीधे लड़के मोटे कैसे होते हैं गाँव से आते हैं वो मोटा हो नहीं सकता खैर मैंने कहा कि शुरुआत जो भी रहा तो मेरा ये माना कि कैसे करें उनको फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा और उसी को प्रेरित करके मैंने सोचा कि ऐसा क्या हो कि भर्ती के टाइम ही आप ऐसे लोगों को भर्ती करें जिनमें शारीरिक क्षमता है तो मैंने दस किलोमीटर का एक कर दिया क्योंकि मैं पुलिस का मुखिया था कानून बनाना हाथ में था मेरे तो मैंने कहा जो दस किलोमीटर साठ मिनट या उससे कम में करेगा उसको भर्ती करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही रखी जो जितना पास था उतना ही रहे परीक्षा भी कर ये लास्ट में होती थी तो कोई मेरिट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया पॉलिटिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जो पास हो गए रिटर्न उन्हीं को दौड़ाया पहली बार हुआ था राजस्थान में ऐसा प्रयोग लोग पहली बार दौड़े ज्यादा दौड़ गए उसमें एक दो लड़के जो कैंडिडेट डेथ हो गई अखबारों में बड़ी खबर ऐसा क्या नियम आया ऐसा डीजी आया जो कुछ भी पॉलिटिकल सर्कल्स में भी हुआ सरकार में हुआ मुझे बुलाया गया कि ये क्या कर दिए भाई सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके चले साहब साहब ने भाई कर मरा उसका मुझे अफसोस है पर तो आपको दौड़ के कारण मर गया ये मेरी समझ में जो भी तत्कालीन मंत्री होंगे जो भी नुमाइंदे थे नहीं। नहीं नहीं आप ये मैंने कहा था ये संभव है दस किलोमीटर एक रूरल बच्चे के लिए तो इट इज वॉक कम रन नहीं। नहीं। आप तेज चलेंगे तो भी कर लेंगे अब जो पुलिस में बीस साल का बच्चा भर्ती होना चाह रहा है वो दस किलोमीटर नहीं चल सकता मेरे तो बड़े तो लायक है ही नहीं, नहीं होगा तो, मैंने साथ तो मैं साहब मैं कर दूंगा पचपन छप्पन साल का था वो सब लोग आप कैसे कर दो वो नहीं करो मैं करूंगा सब तो पार्ट में जो आप मैंने मैं किया जगह जगह जहां जहां मरे थे लोग मैं मैं दौड़ा जो कोटा काम जिक्र करते तत्कालीन गृह मंत्री कोटा के मेरे जो दौड़ के बताओ मैं तो आप चल चले पैर दौड़ेंगे मैं थोड़ी दौड़ूंगा तो पैर बीकानेर में चलेगा जयपुर में भी चलेगा वहां भी चलेगा तो एक तरह का जो एक अननेसेसरी जो कॉन्ट्रोवर्सी थी जिसमें कोई मेरिट नहीं था कोई सब्सटेंस नहीं थी

तो उनके दो तरह की एक तो जो जांच पुलिस वाले करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग है जो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी जो सड़क पे रहता है जिसको जनता देखती है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है तो हमारी चूंकि पुलिस को रोज जनता सड़क पर देखती है तो उसके अपेयरेंस का भी फर्क पड़ता है एक आपको रेस्ट पोस्ट आदमी मिले या स्वच्छ आदमी मिले जनता का फर्स्ट इम्प्रेशन वो पड़ता है ना एक अच्छा पड़ता है और एक लेजी क्लमजी बेडॉला मेरा यह था कि आपका अपेयरेंस तो ठीक हो उसी विशा में था बाकी मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था कोई मेरा नहीं मैरिट के हो लेकिन यकीन उस वक्त में जिसने देखा तो लगा कि वाकई अगर इस तरह के एग्जाम्पल हैं वो सेट हो सकते हैं बहुत अच्छा पुलिस का आपका करियर रहा राजनीति में जो आपके आलोचक हैं वो एक परसेप्शन लेके चलते हैं कि हरीश मीणा जी हैं वो पॉलिटिकल सही टाइम पे डिसीजन है या किस पार्टी में रहना है वो तय नहीं कर पाता आपके जैसा बंदा जो बिल्कुल पुलिस के एक डिसिप्लिन में रहा है और उसका एक बड़ा डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा एक उसमें रोल होता है पॉलिटिकली क्या हो गया सही हुआ कहा बीजेपी फिर कांग्रेस एक बार तो बीजेपी में गया था और एक बार कांग्रेस में मतलब बदला कहा जो गया चार साल रहा फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं नहीं रहूंगा तो, तो दो बार तो बीजेपी कांग्रेस से जीत रहा हूँ उसी कॉन्स्टिटेंसी वही सीट वही पार्टी कुछ नहीं बदला मैं आगे जब आप सांसद बने एक ब्यूरोक्रेट से आप सांसद बने लाइफ में क्या बदलाव आया लोगों के एक्सपेक्टेशन क्योंकि वो भी एक तरह की पब्लिक लाइफ थी लेकिन वो एक सर्टेन उसके अंदर कुछ लिमिटेशन थी अब ये पॉलिटिकल डोमेन में आए तो पूरी तरह से एक तरह से आपकी पर्सनल लाइफ तो कुछ रही नहीं किस रूप में आपने आप अपने आप को उठाला क्या बदलाव महसूस हुआ सर पर्सनल लाइफ के लिए अगर आपको समय निकालना है हर आदमी के पास दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई नेता में अमेरिका का राष्ट्रपति है तो सबसे बेस्ट होना चाहिए वो भी छुट्टी पे जाते हैं वो भी फैमिली लेते हैं अठाल जाते हैं चौबीस घंटे आप मैनेज कैसे करते हो टाइम मैनेजमेंट भी एक चीज़ है ना बहुत सारे लोग चाय की दुकान में चौबीस घंटे बैठ जाते हैं करते नहीं हो है? सारे दिन आ तो भाई चर्चा करी क्या चर्चा करी पाँच मिनट में कर लो जैसे मैं ऑफिस आता हूँ कोई आया नहीं है कोई नेता नहीं आता मैं आता हूँ खाना खा के दस ग्यारह बजे नहा धो के दाढ़ी बना के आ जाता हूँ शाम को छः बजे चल जाता हूँ छह बजे बाद बैठ के मैं क्या करूँ सब सरकारी कार्यालय बंद हो जाते हैं मैं तो किसको फोन करूंगा की राजनीति करता हूँ आपके ऊपर है और जनता 24 घंटे की राजनीति के लिए जाने जाते हैं खासतौर से आप अशोक गहलोत कुछ नहीं कह रहा मैं मेरे बारे में कह रहा हूँ जनता अच्छी है आप जनता की नजर से अपने आप को देखो आप खुद कह रहे हो मैं अच्छा हूँ मैं चौबीस घंटे करता तो होंगे मुझे किसी के बारे में कुछ पता मैं कह रहा हूँ आवश्यकता पड़े पर आप उपलब्ध हो या नहीं है कुछ समय पहले कुछ साल पहले मेरी कॉन्स्टिटेंसी में एक आदमी को पुलिस वालों ने मार दिया मैं जाके वो कड़ताल पर बैठ गया बैठा मैं सत्ता पक्ष एमएलए था मेरी पार्टी के खिलाफ बैठा तो लोगों ने ऐसा भी उसका प्रचार किया कि ये कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के एमएलए मैं कह नहीं मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ अत्याचार के खिलाफ अगर मेरी पार्टी भी अत्याचार करेगी मैं जनता का साथ दूंगा अत्याचार के साथ तो पुलिस वाले ने मारा मारा वही एक्ट हैं ऐसे उसको लेकर एक सवाल उठता है कि हरीश मीणा जी विद इन कांग्रेस के अंदर भी कई तरह की अ, अलग अलग हैं वो कैंप्स में हैं तो हरीश मीणा जी हैं वो गहलोत सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे ये सचिन पायलट हैं उनका कट्टर उनके समर्थक हैं मैं जनप्रतिनिधि हूँ जनता के साथ

राजस्थान में सुधार की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी और तो जो भी नए विचार आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे उस वक्त का जो दौर था उस, उस उसका आउटकम क्या रहा रिजल्ट क्या रहा आपकी नज़र में पॉलिटिकली तो सब लोग उसका एनालिसिस करते हैं बट हरीश मीणा उसका एक पार्ट थे उस उस पूरे सिस्टम में उस वक्त का जो दौर चला था उसका आउटकम आपको क्या लगा मैं मेरा बता सकता हूँ हर आदमी इंडिविजुअल है उसके अपने विचार है हम हमारी बात कांग्रेस हाईकमांड के पास अपने गए थे कांग्रेस हाईकमान ने हमको बुलाया रूप से सबसे सुना हमारी बात कहने तो ये तो कहने गए थे ये करना है लेकिन वो डैमेज नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस का जो रिजल्ट रहा विधानसभा चुनाव में वो उसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी माना गया कि कांग्रेस के अंदर अंदर जितने कैंप हो गए हैं मतलब पब्लिक के अंदर ये चर्चा बहुत रही उसके बाद कितनी सीटें आई हमारी पर बहुमत तो नहीं आया ना सरकार सीट में कितनी सीटें आई सत्तर आई जब एक थे जब इक्कीस आई थी आई थी, जब तो सब एक थे, कोई कैंप नहीं होगा तो जो <laughs> जनता हम जनप्रतिनिधि क्या राजस्थान में कांग्रेस में आप सवाल का जवाब टाल भी सकते हैं आपके ऊपर है लेकिन मेरा सवाल है कि क्या राजस्थान के अंदर कांग्रेस को अब क्या वो रीजनल लीडरशिप के ऊपर जाना चाहिए बजाय एक राजस्थान का एक नेता अलग अलग क्षेत्रों से जो नेता है उनकी कलेक्टिव लीडरशिप के ऊपर आना चाहिए और पिछली सरकार में मिसिंग था कहीं नहीं राजस्थान जैसे प्रदेश में रीजनल लीडरशिप हो नहीं सकती क्योंकि तो इसमें डाइवर्सिटीज़ बहुत है हमारी कॉमन लैंग्वेज नहीं है तो अच्छी बात मैं उसको अच्छा मानता हूँ और स्टेट्स में कॉमन लैंग्वेज है आज राजस्थान में पंजाब जो गंगानगर हनुमानगढ़ में कोई और बोली बोलता है डूंगरपुर बांसवाड़ा में कोई और बोलता है जैसलमेर जैसलमेरवाड़ में कोई और बोलता है धौलपुर आप अगर एक दूसरे से बात करने के लिए हिंदी बोलनी पड़ती है खुद की भाषा में बात नहीं कर सकते नहीं, नहीं। तो यहाँ रीजनल पार्टी या रीजनलिज्म का स्कोप नहीं है और एक किसी जाति विशेष का डोमिनेशन नहीं है दो सौ एम किसी भी जाति के पैंतीस एम नहीं है दो सौ में से तो जो सब में सहमति बनेगी वही राजस्थान में होगा और वही होना चाहिए और वही हो रहा है लेकिन अभी जो इस वक्त चुनाव के अंदर बातचीत हो रही है जैसे चूरू के अंदर राहुल कस्बा को ले आए नागौर के अंदर हनुमान बेनीवाल के साथ समझौते की बात हो रही है चर्चा में और उसको लेकर ये कि उसमें भी कांग्रेस के अंदर दो थॉट्स हैं कि हनुमान बेनीवाल की लीडरशिप या उस उसके अंदर आपको उनको शामिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए व्हाट डू यू थिंक सर देखो ये लीडरशिप के इशूज़ हैं परसेप्शन हैं अगर कोई आप करना चाहोगे दो आदमी समर्थन करेंगे दो कहीं मत करो हम निर्णय हाईकमांड को लेना है और जो भी पार्टी के हित में हो मेरा कोई इंडिविजुअल कोई राय नहीं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स के ऊपर जाते हैं क्या मुद्दे हैं क्योंकि टोंक शोय मधुपुर में आ, आप उस ज़िले के अंदर विधायक भी रहे हुए हैं आप वहाँ के निवासी हैं बावनवास के आपके बड़े भाई नमोनारायण मीणा लंबे वक्त तक वहाँ से सांसद रहे मंत्री रहे टोंक सोये मधुपुर के डेवलपमेंट के ख़ास खासतौर से रेल का मुद्दा एक लंबे समय से ऐसा चला आ रहा है कि वो कोई भी सरकार हो या कोई जनप्रतिनिधि हो उसको सॉल्व उस तरह से कर नहीं पाया है और इलेक्शन रैलीज में कई बार मैंने भी कवरेज किया है हर बार भाषण में नेताओं का यही एक वादा होता है कि टोंक जिले में मुद्दा ज़्यादा है सवाईमाधपुर में नहीं है हाँ टॉबाद में तो टोंक जिले में ये है टोंक जिला रेल से कनेक्टेड नहीं है जिला मुख्यालय भी कनेक्टेड नहीं है वो अनफॉर्चुनेट है होना चाहिए रेल की सुविधा होनी चाहिए पास में सवाईमाधोपुर है जयपुर है कहीं से अजमेर से जहाँ भी करे वो जनता को रेलवे फैसिलिटी मिलनी चाहिए कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की वो अपने विषय पर जनता की आवश्यकता पूरी करनी चाहिए दोनों पार्टियों को मिली बार बार बात चलती है पर इस पर अभी तक तो कोई गंभीर ग्राउंड पर कोई काम नहीं हुआ है इट शुड बी डन वो द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जमीन दे और स्टेट गवर्नमेंट देगी केंद्र सरकार बनाएगी दोनों के सहयोग से और मैं आशा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है एक इंजन तो हमारे चला देगी <laughs> लेकिन एक इंजन तो कांग्रेस ने आपका जोड़ा है वहाँ पर किस तरह से नहीं अब राजस्थान में बीजेपी सरकार है वहाँ भी बीजेपी सरकार चलाए हम <laughs> तो स्वागत करेंगे हम तो चाहते हैं डबल इंजन चलाएं हमको रेल तो दे लेकिन जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप टॉप से मेन जो मेरा है मैं मानना हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र है या इंडस्ट्री नहीं है एग्रीकल्चर भी सीजनल है मौसम मतलब तो यहाँ इरीगेशन इर, वो कैनाल इरिगेशन नहीं कुछ बहुत कम इलाके में तो लोगों को किसान क्योंकि तो आज खेती नुकसानदाय तो नहीं कहूँगा पर अनप्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया है कोई किसान कितना भी बड़ा हो अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता तो इसके अंदर उसमें कोई गुंजाइश नहीं है तो उनको ऑल्टरनेट आप तो इंडस्ट्री खोलो रोजगार दीजिए और कोई अपॉर्चुनिटीज दिए यहाँ वो ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी नहीं जमीनें कम होती जा रही है आबादी बढ़ रही है जमीनों का बंटवारे होते होते ज़मीन ख़त्म हो गई तो हमारे बच्चे गलत दिशा में जाए पहले तो होना चाहिए हमारी सरकार का इन जो यूथ है टैलेंटेड यूथ है एजुकेटेड यूथ है इसको कैसे यूटिलाइज करें फिर देन हेल्थ है एजुकेशन है ट्रांसपोर्टेशन है रोड्स और ये मेरी कॉन्स्टेंसी में पिछले पाँच साल में तीन नई कॉलेज तो तीनों ने गर्ल्स ही खुलाई लोगों को पढ़ा सब गर्ल्स कॉलेज के बच्चों का मैं क्या हमारे महिला का पढ़ना चाहूँगा बच्चा दस किलोमीटर दूर जा सकता है पढ़ने के लिए रात को हमारे बच्चों को नहीं भेज पाएंगे आने जाने के गाँव में साधन नहीं है सिटी बस नहीं है ट्रेन कैसे आएंगी बहुत लोग तो बहुत हमारी बच्चा छोड़ देते हैं तो मेरा बेसिक ये है एजुकेशन के बिना हमारा फर्स्ट स्टेप नहीं होगा हेल्थ इज इंपॉर्टेंट बट दैट कैन वेट बट एजुकेशन कैनॉट वेट एजुकेशन हो हेल्थ ये काफी चीज सॉल्व करती है आज आप देखिए राजस्थान का जो यूथ है अंडर नरिश बच्चों का बच्चों का आप देखिए उनका हेल्थ क्या है mm. आप शहर छोड़ दिए थोड़ा सा गांव में जाइए mm. कुछ है ही नहीं पौष्टिक तो जो हमारे सरकारें हैं तो मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता मैं जनता की बात करता हूं ये हमारी प्राथमिकता हर पार्टी की प्राथमिकता होनी चाहिए आप समुद्र में बाद में चले जाना चांद पे जब भी चले जाना दो दिन बाद चले जाना भारत का झंडा लेके चले जाना जो भी कर लेना पर आप इसको तो भुखरे रो तो रोटी तो दो प्यासे को पानी तो दो बेरोजगार को रोजगार तो दो ये मुद्दे हैं हमारे साथ रोज़गार का मुद्दा चूंकि पुलिस भर्ती और उससे आप जुड़े हुए हैं और जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके कार्यकाल में लंबा कार्यकाल और उसमें जितनी भर्तियां हुई हैं कोई भी कोर्ट के अंदर उसमें चैलेंज नहीं हुआ है और ये ऐसा ही भर्ती वाला जो इशू आया है और आप ही की सरकार उस वक्त में थी कांग्रेस की सरकार क्या आप भी उस वक्त आप भी प्रभावी भूमिका में थे सर मैं भ्रष्टाचार को किसी पार्टी से किसी के कार्यकाल से किसी जाति से धर्म से नहीं जोड़ता अपराध हर राज्य में होंगे होते हैं आप कोई भी सरकार किसी भी दुनिया में गारंटी नहीं सके मेरे कार्यकाल में अपराध नहीं होगा अपराध पुलिस के दोहरी मापदंड होते हैं प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ़ कोशिश करो कि अपराध हो नहीं अगर हो जाए तो डिटेक्ट तो हो नहीं पर ये तो भर्ती प्रक्रिया का ये अपराध करिए तो भर्ती सिस्टम में ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ थी ना एसआई भर्ती वाला जो कांस्टेबल भर्ती का ये एसआई भर्ती का जो मामला था जिस रूप में सामने आया था किस रूप में पूरा एक एक साजिश है वो जुड़ीगी कहाँ लूपहोल्स हो सकते हैं ये तो चेक करना ये इंटेलिजेंस और ये प्लानिंग फुल प्रूफ प्लानिंग ये तो मतलब जिम्मेदारी वाला काम था ये सरकार के हाथ में नहीं हो पाया ना ऐसा कैसे हो गया कि हरीश मीणा जब डी थे तब नहीं हुआ और अब है वो उस रूप में पूरी एक फेहरिस्त निकल कर आ रही है कि हर मामले में भर्ती में पेपर लीक हो रहा है ये हो रहा है पुलिस की भर्ती में ये हो रहा है जो भी भर्ती का मैं बता दूं दू की भर्ती तो होती है पुलिस मुख्यालय द्वारा सब इंस्पेक्टर्स की होती है आरपीएससी द्वारा पर पुलिस का उसमें भूमिका होती है कंडक्ट वो करते हैं टू डिफरेंट पर चूक तो हुई तो है उस वक्त बड़ी चूक हुई अगर चूक हुई है उसका पता लगाओ सजा दो उसका मैं पक्ष लगा मैं कभी किसी का गलत काम का अपराध को मैं अपराध की दृष्टि से देखूंगा राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखूँ किस पार्टी के टाइम में हुआ किस जाति तो की राजनीति कह नहीं किया अपराध अपराध होता है तो कानून की दृष्टि से देखना चाहिए लेकिन उसने बहुत डैमेज किया ना पेपर लीक का मामला नहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की सरकार को तमाम आपने वादे वादे किए तमाम आप कैरिंग सीट हम आ गए लेकिन कहीं ना कहीं पेपर लीक को एक बड़ा इशू उस वक्त में बनाया था और वो कारगर भी रहा क्योंकि आप सत्ता में अब नहीं है नहीं मैं मानता हूँ अगर किसी ने कोई गलती करी है मैं किसी गलती को डिफेंड नहीं करता हूँ पर मैं उसको सिर्फ कार्यकाल से नहीं देख कांग्रेस के टाइम हुआ बीजेपी अपराध किसी भी काल में हुआ मुग़लों के काल में हुआ राजाओं में हुआ सामंतों का हुआ अपराध अपराध और जिसने भी अपराध किया अपराधी को सजा मिलनी चाहिए उसका मैं पक्ष था तो उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखूंगा मैं अपराध को कानून की दृष्टि से देखूँ मैं यही फर्क है सीखे कार्यकाल में एक तरह से लोग कह रहे हैं कि उस वक्त जो सचिन पायलट ने मुद्दे उठाए थे ये जो ताज़ा मामले जिस रूप में सामने आ रहे हैं उसी बात पर कहीं ना कहीं मुहर है हर जागरूक जनप्रतिनिधि का ड्यूटी है कि व्यवस्था में कोई अगर खामियां हैं कोई कमियां हैं उनको जाकर और सरकार की ड्यूटी है उन कमियों को दूर करें तो मैं इसमें कहीं विरोधाभास नहीं देखता जनप्रतिनिधि है जो तो बात आएगी हम गांव में जाते हैं लोग कहते हैं मेरे गांव में पानी नहीं तो हम बोलेंगे संबंधित अधिकारी को भाई पानी नहीं उस गांव में दो दिन से पानी नहीं आ रहा पानी दीजिए बिजली नहीं आ रही है फर्ज है नहीं। नहीं। उसको किसी का क्रिटिसिज्म और उसमें नहीं देखना चाहिए जो आप देख रहे बता रहे ड्यूटी और उसी भावना में उसको लेनी चाहिए शिकायत के रूप में नहीं लेनी चाहिए इस वक्त जो पॉलिटिकल आपके टिकट का ऐलान हो चुका है सामने कैंडिडेट है वो भी उसका इंतजार है कि कौन सामने कैंडिडेट होगा पता नहीं इस सवाल का जवाब अब किस वक्त आपके लिए ठीक होगा कि नहीं होगा लेकिन एक जर्नलिस्ट मेरे एक जहन में सवाल आ रहा है आप टाल सकते हैं क्या आपको लगता है कि सितंबर में जो विधायक दल की बैठक है जो होनी थी कांग्रेस की वो अगर हो जाती तो फिर राजस्थान का कुछ अलग चेहरा होता अलग परिणाम होता चुनाव का भूतकाल को भूलना ठीक रहता है <laughs> और भविष्य को देखें वर्तमान को देखें आगे क्या होने वाला है उसकी चिंता करें जो हुआ नहीं हुआ पार्टी के सबके संज्ञान में आप लोगों के संज्ञान में पूरे प्रदेश के संज्ञान में उसके बारे में, में मेरा कोई भी जवाब देना ठीक थी। है वो इसलिए सवाल इसलिए है ये बात सही कह रहे हैं कि पास्ट का मामला है और सब चीज़ें हो गई और लेकिन मुद्दा ये है कि अभी भी उसका आउटकम क्या है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा अशोक गहलोत है वो वहीं पर हैं गोविंद डोटासरा वहीं पर हैं सुखे रंधावा जी वो वहीं पे हैं तमाम आपकी लीडरशिप है अपनी जगह पर है अगर कोई सिस्टम से अभी बाहर होता दिख रहा है वो सचिन पायलट सिस्टम से वो बाहर होगा जिसको जनता नहीं चाहिए जो जनता के साथ रहेगा हर दिन सिस्टम में रहेगा अभी तो टॉक सवाई माधोपुर से टिकट को लेकर भी बात हो रही थी कि उनको टिकट मिलेगी फिर आपको मिली मैं नहीं जानता नहीं। मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया कोई एक आदमी बोले कोई मैंने एप्लीकेशन दी हो किसी नेता को मिला हो किसी कार्यालय में गया हो मतलब तो मेरे सामने दुखदा है कि तीन महीने पहले मैं चुनाव लड़ाऊंगा बड़ा कठिन चुनाव और दोबारा फिर चुनाव चुनाव लड़ने में सर ताकत लगती है सर तो पर जो पार्टी का आदेश है मैं, मैंने फिर भी किसी कागज को और लेना चाहूँ और ले लो भाई किसी को दो हमारी एकमात्र हमारी चिंता है सीट कांग्रेस का है पिछले दस साल से कांग्रेस नहीं जीती है और ये कांग्रेस का इलाका है कांग्रेस की सीट तो कांग्रेस को जीतना चाहिए वो मेरा खुद का पर्सनल एजेंडा कुछ नहीं वो कह रहे कि पायलट माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे मैं बुरा क्यों लगेगा <laughs> रहे हो इतने मीठे तरीके से बोल रहे हो लोग कहते हैं कि आ, सचिन पायलट के साथ में जो लोग रहे उनको वक्त वक्त पर कुछ ना कुछ उनको मिल गया एक तरह से सचिन पायलट के नाम का इस्तेमाल हुआ अगर दूसरे शब्दों में कहूं और सचिन पायलट को जो उनका वाजिब हक है वो नहीं मिला कई मंत्री बन गए मानेसर की घटना के बाद में कई लोग की राजनीति चली टिकट भी मिल रही है लेकिन सचिन पायलट है वो नेपथ्य में मैं तो पाँच साल पहले भी एमएलए था अभी भी एम इसी घर में रहता था अभी भी इसी घर में सांसद का टिकट तो मिला है ना आपको तो मैं पहले सांसद तो बहुत पहले रह चुका हूँ और ना मेरा कभी टिकट कटा ना कभी मैं हारा तो भाई टिकट कटा कभी और ना मैं आ रहा राजस्थान की फ्यूचर के लीडरशिप किस रूप में देख रहे हैं आप कांग्रेस की मैं ये जरूर पूरे राजस्थान का बताता हूँ कांग्रेस का वही होगा जो राजस्थान का जनता का होगा राजस्थान के युवाओं में जागरूकता बहुत अच्छी शिक्षा भी बढ़ी है साक्षरता बढ़ी है फिर ये सोशल मीडिया का जो है तो आप बहुत सारी चीजें जनता हमारी सुनेंगी तो वो निर्णय खुद करेंगे हमारी बात सुन के बहुत कम निर्णय करेंगे तो ये बहुत सकारात्मक और अच्छी चीज है कि जनता सक्षम हो गई अपने निर्णय करने वो सब समझते हैं हर नेता की सुनेंगे हर पार्टी की सुनेंगे बस जरूरी नहीं है कि जो टीवी पे देखा उसी को वोट दे देंगे देख लेंगे मनोरंजन हो जाएगा ये सोशल मीडिया पे चला अब ये राजस्थान का मैं कम से कम बता सकता हूँ ये प्रभावित करने वाला तो कह रहे कि मोदी चार का टारगेट है वो लेकर चल रहे हैं और राजस्थान से पच्चीस की पच्चीस सीटें जीतने का दबाव है और इस भयंकर दबाव में बड़े नेता पीछे हैं और सेकंड पंक्ति के जो नेता हैं वो फ्रंट पे उनको लाके चुनाव लड़वा रहे हैं उनमें आपका नाम मैं इसका क्या जवाब दो बताओ मुझे पार्टी ने टिकट दिया मैं चुनाव लड़ रहा हूँ पार्टी टिकट वापस कर लेगी नहीं लड़ूंगा मैं पार्टी का एक सदस्य हूँ आई विल डू अदरवाइज मैं तो ऑलरेडी इलेक्टेड हूँ मेरे पांच साल हैं तो मैं तो मुझे कोई ऐसी वो नहीं थी कि भाई मेरा कुछ नुकसान हो रहा था पर अभी निर्णय लिया इन्होंने तो ये मैं कह सकता हूँ मैंने कहीं पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया कोई भी एक आदमी को मिला हूँ किसी कार्यालय में गया हूँ मैं एक दिन टी वी देखा फिर मैंने किसी को फ़ोन किया कि साहब का नाम अनाउंस तो हो गया मैं क्या करना है तो चुनाव लड़ना है मैं बात करूँगा अभी तक इसके बाद में कॉन्स्टेंस में भी नहीं गया हूँ मैं लोग तो भाग रहे हैं इतनी जल्दी आओ दिमाग में सेट तो हो जाए उसको क्या करना है किस बात का वेट कर रहे हैं सामने जो कंपटीटर है कौन है उसका वेट कर रहे हैं या मेरे लोगों से पूछूंगा तो वोटर टिकट से नहीं जीतते वोट से जीतते हो तो उस वोटर मुझे तैयार है क्या एक्सेप्ट करने के लिए दो जिले हैं सर नहीं सर पर अब ये तो क्योंकि पार्टी ने तो ऐलान कर दिया आप ये कह रहे हैं कि मैं जनता से पूछूंगा नहीं जनता तो से पूछूंगा चुनाव कैसे चुनाव तो लड़ूंगा चुनाव हाँ ये क्लियर कैसे लड़ूंग हाँ. चुनाव कैसे लड़ू हुँ. तो आठ विधानसभा है अभी तक मेरा अनुभव इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ एक विधानसभा का है सात विधानसभा का मुझे अनुभव नहीं है मैं यहाँ का निवासी सही है वो एक निवासी के नाते पॉलिटिकल अनुभव तो मैं लोगों से पूछूंगा भाई चुनाव आ गया कठिन चुनाव है तो कैसे लड़े लोग जो राय देंगे उससे लड़ूंगा चुनाव तो लड़ना ही है चुनाव कहीं छोड़ के जा रहा हूँ नहीं छोड़ के जा रहा हूँ और चुनाव लड़ेंगे चुनाव जीतेंगे भी

टोंक की जनता टोंक सवाई माधोपुर की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे जो पंजाब केसरी के जरिए आपसे कनेक्टेड है सर मैं पंजाब केसरी के जरिए टोंक सवाई माधोपुर की ईमानदार सच्ची और प्रगतिशील जनता को यह कहना चाहूंगा कृपया सबकी सुने करें वो आपकी मन की कृपया जाति बिरादरी और धर्म पे क्योंकि वोट में हर जाति का व्यक्ति वोट देगा हर धर्म का व्यक्ति वोट देगा और वोट उसके पास एक है तो वोट उसको दो जो आपके स्वयं के हित में हो आपके देश के हित में उसको दें बाकी चीज़ों को चिंता छोड़ें बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी को उस वक्त देने के लिए हमारे साथ में टोंक सवाई के उम्मीदवार हरीश मीणा जी थे चुनाव के दौरान कई राजनीतिक सवाल हैं उनका उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया हम एक बार फिर उनसे वक्त लेंगे इस चुनाव के गुजर जाने के बाद में शायद और विस्तार से बात होगी लेकिन उनकी प्राथमिकता क्या है टों टोंक सवाई क्षेत्र को लेकर आपने समझा उनकी राजनीति का तरीका क्या है वो हमने समझा और साथ ही साथ इनका जो अतीत है पुलिस का गौरवमय अतीत है उसके बारे में हरीश जी से बहुत विस्तार से बात हुई बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए नमस्कार